अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं फिजिकल एंजाइटी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अक्सर बच्चों को इस बार सेमीकंडक्टर के हवाले से बहुत प्रॉब्लम रहती है कि ये बहुत ही टफ टॉपिक है, समझ नहीं आ रहा। वो उसकी वजह ये होती है बच्चे कि आपने इसे डीपली पढ़ा ही नहीं। अगर आप इसे डीपली पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि इसका इनर स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है अगर आप समझना चाहें तो। क्योंकि हम अगर इसे एटॉमिक थ्योरी से रिलेट करें, जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, तो उससे आपके लिए सेमी कंडक्टर को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सेमी कंडक्टर को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरह से सेमीकंडक्टर डेवलप्ड हुआ और क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जितने भी डिवाइसेस थे अर्ली 19, हम उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करने की ख़ास वजह ये थी कि हमें एम्पलीफायर चाहिए होता था। एक एम्पलीफायर के तौर पे हम वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करते थे। अब एम्पलीफिकेशन क्या होती है हमें तो पता ही नहीं। एम्पलीफिकेशन तो परेशान होने की बात नहीं है, इतना कोई बड़े डेफिनेशन नहीं है एम्पलीफिकेशन की। एम्पलीफिकेशन जस्ट इसे कहते हैं कि हम अगर किसी एसी सिग्नल को इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहें, अगर हम किसी एसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहें, तो उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर। एंड एज वेल एज हम वैक्यूम ट्यूब को रेक्टिफायर के लिए इस्तेमाल करते थे। अब रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जब हम किसी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, एम्पलीफिकेशन हो गई, रेक्टिफिकेशन हो गई। हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल एम्पलीफाई एज वेल एज रेक्टिफायर के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आफ्टर 19 ये बात समझ आई साइंटिस्ट को कि ये काफ़ी स्पेस लेता है। वैक्यूम ट्यूब के सबसे जो डिसएडवांटेज ये था कि वो स्पेस ज़्यादा लेता था। स्पेस ज़्यादा लेने की वजह से हमारे जो जितने भी पुराने आपके पास डिवाइसेस होंगी, कंप्यूटर डिवाइसेस, वो सारी एक लार्ज स्केल पे नज़र आती हैं हमें। जैसे हमारे पास पुराने डिवाइसेस हैं, डिस्क है, वो सारी चीज़ें एक लार्ज स्केल और एक लार्ज जगह घेरती थी, मतलब ज़्यादा एरिया घेरती थी। अब बात आ जाती है कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किस चीज़ से करवाया गया और क्यों करवाया गया। तो इन 1940 एक साइंटिस्ट की टीम थी जो बेल लैब में रिसर्च करने के दौरान उन्होंने एक ट्रांजिस्टर डेवलप किया, और वो ट्रांजिस्टर बनाया गया था सॉलिड स्टेट से। अब ये सॉलिड स्टेट क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सॉलिड स्टेट जो होता है, सॉलिड स्टेट आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स डेट आर क्लासिफाइड एज सेमीकंडक्टर। सॉलिड स्टेट जो है वो सेमीकंडक्टर से मिलके बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना है। सॉलिड स्टेट हमारे पास जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना है। सॉलिड स्टेट से हमने ट्रांजिस्टर डेवलप किया, और ट्रांजिस्टर जो था वो बहुत ही स्मॉलर था, हीट लॉस भी उसका बहुत कम था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और आगे जितने भी डिवाइस थे उनमें रिप्लेस कर दिया गया वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से। तो ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट से बना था, और इसकी रिप्लेसमेंट की वजह ये थी, वैक्यूम ट्यूब जो है वो पावर लॉस बहुत ज़्यादा करता था, उसकी पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद इसके जिसकी वजह जो थी वो मेन वजह थी हीट लॉसेस, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो डिसिपेट करता था। सेकेंड थिंग, वैक्यूम ट्यूब जो है वो इसलिए रिप्लेस किया गया है सॉलिड स्टेट से बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करता था, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़े एरिया में। और जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, दुनिया छोटी होती जा रही है, हमारे हाथ में मोबाइल्स जो हैं वो पूरी एक दुनिया है, तो हमें इस जैसे मटेरियल चाहिए थे जो बहुत ही स्पॉट टाइप मटेरियल हो, लेकिन वो काम बिल्कुल फास्ट करें और विदाउट एनी हीट लॉस और विदाउट एनी पावर डिसिपेशन। तो जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट को रेफ़र किया गया हर एक डिवाइस में। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब सेमीकंडक्टर किस तरह से मैन्युफैक्चर होते हैं, इसकी जो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस तरह से होती है, उसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह ने मेहरबान।